टेम्परेचर बढ़ने से पहले मैं एजेंसी पहुंच जाऊं। करीब 2-3 महीना से बंद था और भाई मेरा एक एक्सीडेंट भी हो चुका है, वॉशिंग पे लग चुका है। वॉशिंग होगा उसके बाद आएगा अंदर, दौड़ जो सीधा। बूम गाइस, गुड मॉर्निंग। सामने है KTM। काफ़ी दिनों के बाद ब्लॉग बना रहे हैं तो थोड़ा सा हेजिटेशन तो है, KTM ठीक ही नहीं रहता तो बैठेंगे क्या, चलाएंगे क्या और भगाएंगे क्या। तो बस आज इसीलिए अपना बाइक लेके जा रहे हैं KTM एजेंसी। अभी KTM एजेंसी कॉल कर दिए हैं, अमरजीत भैया बोले हैं आ जाओ, हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्व। तो अभी सीधा वहाँ चलते हैं। ये ओवरहीटिंग की वजह से बीच में ही गाड़ी बंद हो जाता है, बस जाम ना मिले। और जाम ना मिले ऐसा हो नहीं सकता, ये RK कॉलेज है और सुबह सुबह टाइम यहाँ पर टेम्पो वाला सब देख ही रहे हो, भर के जाम लगाता है, भर भर के। मैं बस ये चाहता हूँ कि ये टेम्परेचर बढ़ने से पहले मैं एजेंसी पहुँच जाऊँ, बिकॉज इस बाइक में जो भी कूलेंट है वो इंजन के अंदर जा रहा है, मोबिल के साथ मिक्स हो रहा है और ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। इस चक्कर में बार बार मेरा गाड़ी बंद हो रहा है, बाकी देख रहे हो यार धीरे धीरे बढ़ रहा है वो हीटिंग। तो बस भाई मेरे को एजेंसी तक पहुँच जाए, उसके बाद बढ़े कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीच में फंसेंगे तो भाई कोई धक्का मारने वाला भी नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है जिस दिन ज़्यादा जल्दी रहो उस दिन और भी जाम लगता है। और गाइस ये है हालत ग्लेशियर मंडी का, रोज़ सफाई होता है और रोज़ इतना ज़्यादा कचरा सब्जी सब फेंक दिया जाता है, वो भी रोड पे। बस अब 2 पॉइंट बचा हुआ है ओवरहीटिंग होने के लिए। फैन अभी भी चल रहा है बट बोला ना इंजन में चला जाता है कूलेंट, तो उसका सॉल्यूशन वहाँ जाने के बाद ही होगा। और भाई आप लोग ये भी बोल सकते हो कि बाइक भगा के भी ले जा सकता है, तुम भगा क्यों नहीं रहे हो? ज़्यादा स्पीड भगाऊंगा, ज़्यादा गर्म होगा बाइक और भी प्रॉब्लम हो सकता है, क्या पता बीच में ही रुक जाए, बंद पड़ जाए बाइक, इसीलिए मैं ज़्यादा स्पीड भगा नहीं रहा हूँ। भाई क्या ठेला मोड़ रहा है यार। गाइस आप लोग भी बताना कैसा आप लोग का छठ पूजा हुआ है, हम तो अपना छठ पूजा का वीडियो अपलोड कर दिए हैं, बाकी आप लोग देख के बताना कैसा लगा छठ पूजा का वीडियो और आपका छठ कैसा मना। लगभग पहुंच ही गए KTM एजेंसी, बाकी अब उनके हाथ में रहेगा गाड़ी, पहले तो पूरा धुलेगा, बहुत ज़्यादा ही गंदा है बाइक। करीब 2-3 महीना से बंद था और भाई मेरा एक एक्सीडेंट भी हो चुका है, इसी वजह से ब्लॉग भी नहीं आ रहा था। अब कैसे हुआ क्यों हुआ वो तो नेक्स्ट ब्लॉग में ही आपको पता चलेगा, उसके लिए एक प्रॉपर वीडियो अपलोड कर देंगे। और हम लोग पहुँच भी गए KTM एजेंसी, बजाज KTM आ गए भाई। अभी चलो एंट्री करवाते हैं पहले। बोलो 81 32 के बाद 1 था। बाइक एंट्री हो गया है, अब चलते हैं अंदर लेके। गुड मॉर्निंग भैया, बाइक का चेकिंग चल रहा है, क्या क्या प्रॉब्लम है, क्या क्या होने वाला है। ख़राब है वो उसी टाइम से। तो अभी होगा पहले इस बाइक का काम, ये बाइक पूरा बन जाएगा उसके बाद होगा अपना बाइक। अपना बाइक वैसे वॉशिंग के लिए जा चुका है, देखो वॉशिंग पे लग चुका है, वॉशिंग होगा उसके बाद आएगा अंदर। और आज बस एक ही भैया है तो बहुत ज़्यादा काम है, देखो इतना सारा बाइक वैसे भी पड़ा हुआ है बाहर और भी बाइक पड़ा हुआ है, और सिर्फ एक वर्कर है यहाँ पर जो है अमरजीत भैया, बाकी अभी वो एक और भैया हैं वो आए नहीं हैं। Two hours later. तो गाइस कुछ ऐसा सीन है, आज अपना बाइक का काम हुआ नहीं, ये सामने में जो ड्यूक लगा है इसका काम हो रहा है और वो करीब 2 घंटा बाद बैठे रहे हैं। तो भैया बोले क्या अगर आप जाना चाहते तो चले जाइए, कल सुबह 9 बजे आइएगा, 9 बजे ही हम आ जाएंगे, पहले मेरा गाड़ी देख लीजिएगा कल फिर। पक्का वाला पक्का? हाँ जाते हैं तो कल सुबह सुबह आते हैं। हम फ़ोन किए कोई आया नहीं इसीलिए बोल रहे हैं आपसे पूछ। आज काम भी नहीं हुआ और काफ़ी देर 2 घंटा बैठे रह गए, कुछ फ़ायदा हुआ नहीं, निकलते हैं घर फिर कल। घर से यहाँ आने का टेंशन, बीच में गाड़ी बंद ना हो, लेकिन अभी तक जैसा कंडीशन दिख रहा है गाड़ी बंद हुआ नहीं, बाकी सब आगे प्रभु की माया।
सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, वो वाला सीन है। इसको ठीक करवाते हैं, उसके बाद जिसको भी ये बाइक लेना है, ये बाइक बेच रहे हैं, जिसको भी ये बाइक लेना है नीचे कमेंट में बताना। अरे अरे कोई तो दौड़ रहा है। हाँ हाँ दौड़ जो सीधा। एक दिन पूरा एकदम अपना लैंग्वेज में बनाएंगे ब्लॉग, उस दिन आपको रियलिटी पता चलेगा कि यहाँ का बच्चा सब कैसा है। इधर से एक और प्लान है, सीधे जाऊँगा जाम में फंसूँगा, ये आईपीएस वाला रोड लेता हूँ, भच्ची होते हुए सीधे निकल जाऊँगा अपने घर ही के पास। बेसिकली आज के ब्लॉग में कुछ हुआ नहीं कुछ खास, यहाँ से बस एजेंसी गए, एजेंसी पर टाइम पास हुआ मेरा 2 घंटे का, फिर रिटर्न आ गए घर, और फिर कल जाएंगे एजेंसी। तो हो सकता है कल कुछ हो, कल होगा ही, कल नहीं हुआ तो भाई बखेरा करेंगे हम, वो रियल कंटेंट क्रिएटर वाला सीन बन जाएगा फिर मेरे साथ, ऑन कैमरा हर कुछ होगा, फिर लोकेशन भेजा जाएगा, फिर वहाँ पहुँचा जाएगा, फिर गले लग के बोल दिया जाएगा हम लोग तो दोस्त हैं। वो गाड़ी तो भगा रहे हैं, बस बंद ना हो जाए, हॉर्न का कमी है। अंकल साइड, अंकल साइड, अंकल खुद साइड दे दिए। देखो दोनों तरफ इतना, मतलब ये दोनों तरफ इतना गंदा किया हुआ है माहौल, मतलब यहाँ पे जाने के बाद इस रूट से नाक बंद करना कंपलसरी है, बस इतना दूर। तो सोचे आपको भी दिखा दें, बिकॉज हमारे यहाँ तो नगर पालिका सोया हुआ है कान में तेल देके, हमारे घर के बाहर का गड्ढा ठीक नहीं हुआ तो आगे क्या ही ठीक होगा। ये है हमारा सबसे सीक्रेट और अच्छा गली बोल सकते हो, जब इलेक्शन का टाइम रहता है कॉलेज गेट भी जाम रहता है और भंसौड़ी चौक भी जाम रहता है तो ये गली काम आता है। सीधा भंसौड़ी चौक, भंसौड़ी चौक पे भी पूरा बैरिकेड लगा रहता है और कॉलेज गेट के तरफ भी, तो दोनों साइड में से कहीं नहीं जा सकते हैं, तो ये गली काम आता है। ओह काफ़ी दिनों के बाद इतना दूर घर ही था, इसीलिए भाई थोड़ा सा रैप दे दिए, देखे भगा के भागता तो है। बेसिकली आज के ब्लॉग में बस इतना हुआ कि मैं गया KTM एजेंसी, 2 घंटा वहाँ बैठा, गाड़ी फ्री में धुलवाया और वापस आ गया, क्योंकि ऑलरेडी 2-4 गाड़ी पहले से ही था और वो भैया हमको कॉल करके बुलाए थे, तो ये थोड़ा पहले ही बता देते तो मैं नहीं जाता, अगले दिन चले जाता। तो कोई बात नहीं, कल जाके देखते हैं क्या होता है, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय।